गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास 8 सब्जेक्ट इंग्लिश ग्रामर। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर नेक्स्ट चैप्टर बेटा, एंड नेक्स्ट चैप्टर इज लेसन 19 एंड द नेम ऑफ द लेसन इज वर्ड्स दैट आर ऑफन कंफ्यूज्ड। इट मींस सम वर्ड्स कंफ्यूज अस, क्योंकि वो एक जैसे होते हैं इन स्पीकिंग, इन राइटिंग, हर चीज में वो एक जैसे लिखते दिखते हैं, जिस वजह से समटाइम्स वी बिकम कंफ्यूज। हाउ टू रिमूव दैट कंफ्यूजन, उस कंफ्यूजन को कैसे दूर किया जाए। सो वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर कंफ्यूजिंग वर्ड्स। टू सिमिलर वर्ड्स में डिफरेंस क्या होता है, तो उनका हम डिफरेंस आज करने जा रहे हैं। देखिए हमारा फर्स्ट वर्ड है एक्सेप्ट। फर्स्ट है बेटा हमारा एक्सेप्ट, और एक होता है हमारा एक्सेप्ट। देखिए ए डबल सी ई एक्सेप्ट, और इसका भी हमारा सेम वर्ड आएगा एक्सेप्ट की हम इसको कहते हैं। इट मीन्स दे आर होमोफोन्स। अभी दोनों होमोफोन्स में डिफरेंस क्या है, एक्सेप्ट होता है बेटा स्वीकार करना। क्या होता है एक्सेप्ट, स्वीकार करना। देखिए आई एक्सेप्ट योर प्रपोजल, मैं तुम्हारे प्रपोजल को स्वीकार करता हूँ। इट मीन्स स्वीकार करना, स्वीकार करना। एक होता है हमारा एक्सेप्ट, एक्सेप्ट होता है के सिवाय, के सिवाय। दूसरा क्या होता है के सिवाय, कि उसके सिवाय। देखिए नो वन एक्सेप्ट यू कैन डू, कि तुम्हारे सिवाय, नो वन एक्सेप्ट यू, तुम्हारे सिवाय कोई भी इसको नहीं कर सकता था। तो हमारा फर्स्ट का एक्सेप्ट स्वीकार करना, सेकेंड एक्सेप्ट मीन्स के सिवाय, सेकेंड देखिए एडवाइस, और एक होता है हमारा एडवाइस। देखिए ए डी वी आई सी ई एडवाइस, एक होता है हमारा ए डी वी आई एस सी एडवाइस। जब कोई सेंटेंस एज अ वर्ब, एज अ नाउन यूज होता है, देखिए ही पेड नो अटेंशन टू माई एडवाइस। माई एडवाइस क्या है, यहाँ पर एक नाउन है, संज्ञा के रूप में यूज हुआ है। तो जहां पर किसी भी सेंटेंस में एज अ नाउन शो किया जाएगा, एज अ नाउन आता है बेटा एडवाइस, एडवाइस आता है एज अ नाउन, जहां पर भी नाउन के रूप में। और कहीं पर भी जब हमें एडवाइस दी जाए, इट मींस जहां पर एज अ वर्ब यूज हो, एज अ वर्ब यूज होता है बेटा एडवाइस। आई विल नॉट एडवाइस, देखिए एडवाइस, एडवाइस क्या है, सलाह। एडवाइस एज अ वर्ब यूज हुआ है यहाँ पे, वर्ब की फॉर्म है ना एडवाइस, एडवाइस, एडवाइस। तो विल नॉट हेल्पिंग वर्ब के बाद में यूज हुआ है, जब हेल्पिंग वर्ब के आफ्टर यूज हुआ है इट मींस इट इज वर्ब, वर्ब है। जब भी कोई चीज हेल्पिंग वर्ब के बाद में यूज होती है वो क्या होती है हमारी वर्ब। तो एडवाइस, 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 तो एज अ वर्ब यूज हुआ है, एज अ वर्ब यूज होगा बेटा एडवाइस, एज एज अ नाउन यूज होगा हमारा एडवाइस। दोनों में डिफरेंस पता चला, जब एज अ नाउन यूज हो तो एडवाइस, और जब एज अ वर्ब यूज हो तो एडवाइस। अब थर्ड देखिए अपोजिट, अपोजिट, और एक होता है हमारा अपोजिट। क्या डिफरेंस है, यहाँ पर ओ है, यहाँ ए है। अपोजिट, अपोजिट की सजेशन वर क्वाइट अपोजिट टू द मैटर। अपोजिट होता है बेटा एप्रोप्रिएट, एप्रोप्रिएट में सूट करना किस चीज को, यानी कि ये सजेशन वर्ड क्वाइट है अपोजिट टू द मैटर, यानी कि मैटर को सूट करते थे, यानी कि मैटर से रिलेवेंट थे, रिलेवेंट होना किसी से मिलते जुलते होना, यानी कि मैटर के अकॉर्डिंग थे। इट मीन्स किसी चीज को सूट करना, किसी चीज के फेवर में होना, वो होता है हमारा अपोजिट। ही सजेशन वर्ड क्वाइट अपोजिट, अपोजिट यानी कि नियर, सही टू द मैटर, यानी कि जो मैटर था मैटर के लिए सही थे जो भी उसके। देखिए अपोजिट होता है उल्टा, यानी कि विपरीत। गिव द अपोजिट वर्ड ऑफ गुड, गिव द अपोजिट, अपोजिट होता है उल्टा। ओ डबल पी ओ आई एस आई टी अपोजिट मीन्स उल्टा, क्या होता है विपरीत, और ये होता है अपोजिट यानी कि नियर बाय, कोई चीज बिल्कुल पास में होना, वेल सूटेड, किसी को सूट करना। अब देखिए फोर्थ, फोर्थ है हमारा बैड, बैड क्या होता है बुरा, ही इज अ बैड बॉय। एक होता है बेड, बेड क्या होता है बीईडी बेड, यानी कि बिस्तर,
लेट गो टू द बेड, आओ सोने चले, तो दोनों में हल्का सा डिफरेंस है। नाउ बेल और बेल, एक बी ए एल ई बेल होता है बेटा, बेल होता है गट्ठर, किसी चीज का गट्ठर, और एक होता है हमारा बेल। देखिए पहले बेल गट्ठर समझिए, कि शॉपकीपर लॉस्ट द बेल ऑफ कॉटन, कॉटन कि जो शॉपकीपर था उसने कॉटन का गट्ठर गुम कर दिया, तो बेल क्या हो गया हमारी गट्ठर, किसी चीज का गट्ठर, और एक होता है हमारा बेल। बेल होते तभी बात रिलीज ऑन बेल, बेल होती है जमानत, क्या है बेल का मीनिंग जमानत, और जमानत पे जेल में से छुटकी आना, बेल जमानत, ही वाज रिलीज्ड ऑन बेल, बेल पर छूटना, जमानत पर छूटना। नेक्स्ट देखिए बेटा सिक्स सेंटेंस, सिक्स मतलब बर्थ, बर्थ होता है बी ई आर टी एच, बी ई आर टी एच बर्थ होता है, रेल में कोई सीट बुक करवाना, तो आई गोट अ बर्थ रिजर्व बाई, तो जो रेल की सीट होती है उसको क्या कहते हैं हम बर्थ, और एक होता है बर्थ बी आई टी आर, बी आई आर टी एच बर्थ, बर्थ होता है जन्म, बट इज द डेट ऑफ योर बर्थ, तुम्हारे बर्थ की क्या डेट है, तो बर्थ जन्म और बी ई आर टी एच बर्थ सीट। सेवन देखिए बेटा ब्रेक, ब्रेक होता है टूटना, आई कांट ब्रेक दिस स्टिक, मैं इस स्टिक को नहीं तोड़ सकता, बी आर ई ए के ब्रेक, ब्रेक मीन्स टूटना, और बी आर ई टी ए ब्रेक, ब्रेक लगाना, बाइसिकल की ब्रेक लगाना, स्कूटी की ब्रेक लगाना, गाड़ी की ब्रेक लगाना, माय बाइसिकल ब्रेक बिकम फेल, कि मेरे बाइसिकल की ब्रेक फेल हो गई है, जो किस चीज़ को रोकने के लिए लगाई थी। नेक्स्ट है एट, एट होता है कैटल, कैटल क्या होते हैं एनिमल्स, कैटल आर ग्रेजिंग इन द फील्ड, कैटल यानी कि एनिमल्स, और एक होता है कैटल के ई डब्ल्यू टी एल, कैटल क्या होता है जिसमें हम चाय वगैरह बनाते हैं, टी इज प्रिपेयर्ड इन द कैटल, टी किसमें प्रिपेयर की जाती है कैटल, डिफरेंस क्या है, कैटल एनिमल होते हैं और के ई डब्ल्यू टी एल कैटल चाय बनाने। नाइन्थ देखिए बेटा चेक, सी एच ई सी टी, चेक, चेक होता है किसी की जांच पड़ताल करना, ही विल चेक द अकाउंट, वो अकाउंट की जांच पड़ताल करेगा, किसी की जांच पड़ताल करना, एक होता है चेक, चेक क्या होता है पैसे का, सी एच ई क्यू यू ई, तो ये क्या होगा चेक, जब हम किसी को पैसे के लिए चेक देते हैं, ही मेड पेमेंट बाय चेक, पेमेंट चेक से की जाना, तो उसको क्या कहते हैं हम सी एच ई क्यू ई चेक। अब देखिए टेंथ बेटा, एक होता है डेयरी, एक होता है डायरी, डेयरी क्या होता है जहाँ पर भैंसे वगैरह रखी जाती हैं उनका दूध निकाला जाता है, वी ड्रिंक मिल्क फ्रॉम द डेयरी, हम दूध कहाँ से लेते हैं डेयरी से, जहाँ पे भैंस गाय रखी जाती हैं उनका दूध बेचा जाता है। एक होता है डायरी, डायरी क्या होता है, प्लीज यूज द डायरी डेयरी, जो आप डायरी यूज करते हैं राइट करने के लिए, कुछ लोग क्या करते हैं डायरी राइट करते हैं रात को, कुछ अपनी इंपॉर्टेंट चीज़ें डायरी में लिखते हैं, तो वो होते हैं डायरी डी आई ए आर वाई डायरी, और डेयरी डी ए आई आर वाई डेयरी, तो इस तरह से बेटा देयर इज अ लिटल बिट डिफरेंस एंड दे आर कॉल्ड होमोफोन्स, होमोफोन्स मीन्स यानी कि देखने में और बोलने में सिमिलर लगते हैं बट मीनिंग डिफरेंट होता है। देखिए लिटल बिट डिफरेंस इन स्पेलिंग्स बट प्रोनाउंसिएशन इज सेम बट मीनिंग इज टोटली डिफरेंट, यू हैव टू लर्न दिस एंड राइट इन योर पेयर। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।